चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ़ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स क्वेश्चन का अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आपके लिए एकजी क्वेश्चन है और लैंग्वेज नहीं समझे तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है देखिए, बेसिकली आपके पास एक स्क्वायर था शुरू में तो मैंने एक स्क्वायर पहले से ड्रॉ करके कर रखा हुआ है फिगर यहां पे देख सकते हैं आप इसका नाम देते कुछ ए बी सी डी लेट ए बी सी डी बी द स्क्वायर ऑफ साइड एक्स यूनिट्स आपको मालूम है ना स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो मेजरमेंट हमको नहीं पता तो मैं एक्स ले लेता हूं ना एक आपको क्या करना स्क्वायर के के में आपको दो ट्रायंगल ट्रॉ करना है एक आपको ड्रॉ करना है स्क्वायर के साइड से साइड से डिस्क्राइब करना है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको उसके डायगोनल से डिस्क्राइब करना है मतलब मैं आपको देखिए स्लॉट्स में बताता हूं धीरे धीरे चंक्स में से अगर ये साइड ए बी है तो इससे जब आप एक इक्वेटर ट्रायंगल डिस्क्राइब करेंगे तो वो नीचे की तरफ बनेगा इधर और सिंस ये है दोनों जहां पे मिल रहे हैं उसको ई बोल दीजिए सिंस इक्विलेटरल है तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा सभी के मेजरमेंट इक्वल होते हैं आपको मालूम है इक्वेटर ट्रायंगल में सिमिलरली आपको डायगोनल से आपको एक इक्विल ट्रायंगल डिस्क्राइब करना है डायगोनल होजी डी बी तो जो मेजरमेंट डी बी का है उतने ही मेजरमेंट का आपको इधर बाहर की तरफ साइड ड्रॉ करने और उनको ज्वाइन करना है से एफ पे जाके दोनों ज्वाइन हो रहे हैं तो एक इक्विल ट्रायंगल आपके पास बन गया डी बी एफ और एक बन गया ए बी ई जो ए बी ई है वो स्क्वायर के एक साइड से डिस्क्राइब हुआ है और जो डी बी एफ है वो स्क्वायर के डायगोनल से डिस्क्राइब हुआ है नाउ अगर डी बी की मेजरमेंट की बात करें तो आपको मालूम है ट्रायंगल डी ए बी में देखिए ये एंगल 90 डिग्री है ए बी इज एक्स एंड ए डी इज ऑल्सो एक्स तो दोनों अगर एक्स होंगे तो जो हाइपोटेनस होगा ये राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा आपको। तो -बी इस होगा, रूट I mean, जो है आपको आपको लिखता हूँ प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्स स्क्स पर आपको मालूम है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर का होल रूट तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर का रूट एक्स बाहर निकलेगा और रूट टू ऐसा चंदर तो ये रूट टू एक्स हो गया सिंस ये भी एक, एक है, DBF, तो अगर डीबी रूट टू एक्स है तो ये भी रूट टू एक्स यूनिट होगा एंड दिस पिक्चर क्लियर है इक्विलिटल ट्रायंगल e तो दोनों में ईच एंगल जो होंगे वो सिक्सटी डिग्री होंगे तो ध्यान से देखिए दोनों ट्राइंगल में अगर ईच एंगल 60 डिग्री है तो आप ए एमिलरिटी क्राइटेरियन से इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं उसको लिख भी देते हैं देखिए सिंस ईच एंगल ऑफ एन इक्वीलैट्रल ट्रैंगल इज ऑफ सिक्सटी डिग्री इज ऑफ सिक्सटी डिग्री देयर फोर बाई ए ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी हैव ट्रैंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल डी सॉरी डी बी एफ लिखना चाहिए मेरे को बी डी एफ भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है डी बी एफ तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए अब आप देखिए अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो आप वो कंसेप्ट लगा सकते हैं जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था कौन सा कंसेप्ट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ऑफ रेशियो द करस्पॉन्डिंग साइड्स व्हिच मींस एरिया ऑफ ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी एफ इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा तो मैं अगर ट्राइंगल ए बी ई e का ए बी ले रहा हूं तो इसका ठीक करस्पॉन्डिंग साइड डी बी एफ में कौन होगा डी बी और इसका स्क्वायर विच मींस ए बी तो आपका एक्स यूनिट है अपॉन डी बी इज रूट टू एक्स यूनिट उसका स्क्वायर तो देखिए

हाफ ऑफ एरिया ऑफ डी सॉरी डी है ये डी बी एफ और आपको यही प्रूफ भी करना था अगर आप क्वेश्चन में देखें तो कि जो छोटे वाले ट्रैगल का एरिया है वो हाफ ऑफ बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया यही आपको प्रूफ करना था देखिए प्रूफ दट एरिया ऑफ इक्वेलेटर ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्र तो वन साइड ऑफ स्क्ट्राइंगल डिस्क्राइब हुआ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ये देखिए हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विटर ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट डायगोनल तो ये आपका इक्विटर ट्राइंगल है जो डायग्रोल से डिस्क्राइब हुआ है तो इसका एरिया इसके एरिया के हाफ है ये आपको प्रूफ करना था हेंस प्रूव्ड सो दिस कंप्लीट सर लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज